Welcome to an Academy's official channel on Academy Live Railway Exam and very good evening to all. Hello everyone. Hi, very good evening. आज ये सब लोग जल्दी जल्दी क्लास स्टार्ट हो गया है. मिक्स एमसीक्यूज की जो सीरीज है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कल से आप लोगों को थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ. थोड़ा सा हम लोग टॉपिक पर जाएंगे और टॉपिक पर जा करके हम लोग अपने क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे. सीरीज यही रहेगी लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप मतलब काउंट करके कर सकते हो. लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा टॉपिक वाइज पर जाएंगे क्योंकि मिक्स क्वेश्चन बहुत दिन हो गए अपन को करते हुए, है ना. या फिर पी वाई क्यू टाइप ले लेंगे, इस तरीके से कुछ भी कर लेंगे. ठीक है, वेरी गुड इवनिंग. और आपको पता है कि ये जो क्लास है वो डेली आपके इस चैनल पर होती है और क्लास का डेली टाइम जो है वो 9 बजे का है. तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आप इस क्लास को जो है वो डेली बेसिस पर ज्वाइन एटलीस्ट कर पाए, राइट. और अगर आप अभी तक प्लस पर नहीं आए हैं तो आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए. और इस कोड को यूज़ करने पर आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट. वेरी गुड इवनिंग. हेलो हेलो रुपेश, हाय, वेरी गुड इवनिंग. सो रुपेश, दिस इज़ अ सेशन ऑफ मिक्स एमसीक्यू एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल गेट सम पर्टिकुलर टॉपिक और सम पीवाईक्यू और पास्ट ईयर टाइप्स क्वेश्चन इन दिस सेशन. द डेली टाइमिंग ऑफ दिस सेशन इज डेली इज 9 PM. ओके, वेरी गुड इवनिंग. सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. चलिए तो स्टार्ट करें. रेडी हैं सब लोग? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में सब लोग जल्दी से लिख दो भाई कि यस मैम, रेडी है क्वेश्चन सेशन के लिए. तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो रेडी और हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को. आयुष, आप देख लो बेटा जिसका इंपॉर्टेंट लग रहा हो वहां पर आप देख लीजिए, बाकी रिकॉर्डिंग तो रहती है. हाँ नितेश, एक्चुअली कल मतलब परसों वाला क्लास में थोड़ा सा इशू हो गया और आई डोंट नो मैं कैसे भूल गई, तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा सा ऑन रह गई. वेल उस वीडियो को हटा दिया गया है, डोंट वरी. रेडी? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. ब्रिजेश पटेल, डू नॉट आंसर अ पर्टिकुलर गर्ल. ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में किसी भी लड़की को टैग करके उसका नाम लिखकर आंसर ना करें तो ये आपकी आपके एजुकेशन और आप पढ़े लिखे हैं इस बात को थोड़ा दर्शाएगा. तो कृपया, आप भले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हैं बट डजेंट मीन्स कि आप समझ रहे हैं ना, मतलब समझ रहे हैं आप. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, नेम द ओल्डेस्ट पर्सन हु रिसीव द नोबेल प्राइज. सबसे पुराने व्यक्ति जिन्हें आपके नोबेल पुरस्कार मिला. Name the oldest person who received the Nobel Prize. Akira Yoshini, William Francis Duke, M. Stanley Whittingham, या फिर John Bannister Goodenough. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. गुड इनफ इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. गुड इनफ जो है वो आपके थे सबसे पहले व्यक्ति जिन्हें सबसे पहले ये नोबेल पुरस्कार मिला था. तो करेक्ट, सॉरी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. जॉन बैन गुड इनफ इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट. ठीक है, तो हाँ टेलीग्राम पे बता दो भाई कि 9 बज गए हैं, क्लास स्टार्ट हो गई है. नितेश एक बार मैसेज कर दो वहाँ पर. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा इनको. अच्छा, ये जो आपके इसमें कैटेगरी में जो है वो आते हैं. नेक्स्ट देखिएगा, द कुची न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग. जो कुची न्यू ईयर होता है वो बेसिकली आपके इनमें से किस उस पर मनाया जाता है. द कुची न्यू ईयर is celebrated as which of the following?
त्रायन बेस्तु वर्षा या फिर आपका विषुवा संक्रांति या फिर आपका आषाढ़ी बीज या आषाढ़ी बीज भी आप कह सकते हो। ये जुलाई और अगस्त में ही सेलिब्रेट होता है। आंसर करो। और तुम लोग शेयर वेयर नहीं कर रहे हो सेशन को, है ना? करेक्ट आंसर आषाढ़ी बीज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आषाढ़ी बीज जो होता है यही आपका बेसिकली कुच्ची न्यू ईयर या कुच्ची कम्युनिटी जो है वो इसको सेलिब्रेट करती है, और सेलिब्रेट करके जो है वो इसको आपके सेलिब्रेशन में जुलाई अगस्त में ये सेलिब्रेशन जो है वो लीड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, शेयर कर दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स? ठीक है, हाल ही में जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? What is India's rank in the recently released Global Real Estate Transparency Index? Very good. तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग करते हैं तो 34 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके जो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 34वीं रैंक है, या कहीं आपकी 34th नंबर की रैंक जो है वो इसमें भारत की आई है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, 2020 का ही आपके ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो है ये आपके 2020 का ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। द शंघाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, शंघाई महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड? ठीक है, वेरी गुड, गुड इवनिंग, हेलो, वेरी गुड। ठीक है, प्रहलाद, नितेश, प्रकाश, ठीक है, रामकिशन जी, सुषमा, रजनी, गौतम, आयुष, ठीक है, शिवानी, ठीक है, रीता देवी जी, सौरभ शर्मा, विनय, विमल सिंघा जी, गुड इवनिंग, हेलो नितेश, ठीक है, प्रहलाद जी, ठीक है, आंसर करो अभी। ओके, करेक्ट आंसर मणिपुर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका जो मणिपुर है वो मणिपुर गवर्नमेंट या कहीं आपकी जो मणिपुर सरकार है वो मणिपुर सरकार इसको जो है वो हर वर्ष आपके ऑर्गेनाइज करती है। ये प्रॉपर एक एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है, यानी कि वार्षिक सांस्कृतिक जो है ये आपका कल्चरल है। कब मनाया जाता है? ज्यादातर नवंबर टाइम पे आपके जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जाता है, या नवंबर के समय आपको इसको सेलिब्रेशन मिलता है इसका। ठीक है, तो शंघाई फेस्टिवल मणिपुर टूरिज्म का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली? इनमें से किस सिटी में एलिफेंट फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं हर वर्ष? आंसर करिए, लाइक कर दीजिए, लाइक इंक्रीज करिए जल्दी से, चलो अभी तक लाइक इंक्रीज नहीं किया आप लोगों ने। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपका जयपुर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जयपुर में जो है वो आपका एलिफेंट एनुअली आप कह सकते हो एलिफेंट फेस्टिवल जो है वो आपके जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। ये थोड़ा सा आपके ये होली वाला जो टाइम होता है ना, तो मार्च के मंथ में होली के आसपास इस फेस्टिवल को जो है वो आपके सेलिब्रेट करते हैं। तो होली के आसपास वाले टाइम पे ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान अजलान शाह कप
इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. सुल्तान अजलान शाह कप इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, गोल्फ. ये 1983 में सबसे पहले शुरू हुआ था. वेरी गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फील्ड हॉकी. हॉकी फील्ड में आपका सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो दिया जाता है. ये मलेशिया में नॉर्मली आपके बेसिकली खेला जाने वाला गेम है. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एंड ग्लोबली ऑन विच ईयर, ऑन दिस एवरी ईयर. सही है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन. वेरी गुड, करेक्ट है. 11 जुलाई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. 11 जुलाई को आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो आपके सेलिब्रेट किया जाता है, या कहिए आपका विश्व जनसंख्या जो दिवस है ग्लोबली वाला वो आपके सेलिब्रेट करते हैं. 11 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया गया है. नेक्स्ट देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एग्रीकल्चर शॉर्ट इज नोन टू बी यूज समटाइम इन विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. कृषि शॉर्ट कभी कभी किसी प्रयोग किसी इसमें आपके यूज किया जाता है गेम में. किस गेम में इसको यूज करते हैं? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, पोलो. वेरी गुड, इंद्रपाल जी ठीक है, शुभम आंसर सही है, निकिता गुप्ता एंड संपत्ति. वेरी गुड, घनश्याम पांडे जी ठीक है, फैब्रिकेशन ठीक है, श्वेता पाटिल ओके, सुब्रत्रा दास जी ठीक है, सॉरी विश्वास जी ओके ओके ठीक है. करेक्ट आंसर अगर करें तो क्रिकेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. दिल्ली नेशनल पार्क लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो आपका किस राज्य में स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश. आंसर करिए पिन वैली नेशनल पार्क. वेरी गुड, करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हिमाचल प्रदेश में आपका पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो आता है. ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट और स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है आपका हिमाचल प्रदेश का, उसमें आपका ये पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो आता है. ये 1987 के टाइम पे जो है वो आपके एस्टेब्लिश किया गया था. नेक्स्ट देखिएगा, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लोकेटेड एट. भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है? दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड ठीक है. प्रकाश चंद जी ठीक है, रामकिशन जी ठीक है, ओके पीयूष ठीक है, वेरी गुड. करेक्ट आंसर दिल्ली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए. दिल्ली में आपका बेसिकली इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो आपके ये स्थित है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस स्टेशन हैज बीन रैंक्ड
as one of the best police station of the country? इनमें से किस पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक नाम दिया गया है? ठीक है, वेरी गुड. करेक्ट आंसर नंदगांव. सॉरी, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपका जो नंदगांव पुलिस स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का, ये आपके बेस्ट पुलिस स्टेशंस में से एक पुलिस स्टेशन होगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट. गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट. गर्म पानी सेंचुरी कहां स्थित है? वेरी गुड. ठीक है, सही है. करेक्ट आंसर असम स्थित है. करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डीपू, यानी कि असम में आपका गर्म पानी सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंडिया रैंक्ड डैश इन इनफॉर्म रिक्स इंडेक्स 2020 फॉर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड डिजास्टर. सोमालिया इसमें फर्स्ट नंबर पे है, भारत की रैंक बतानी है. इंडिया रैंक्ड डैश इन इनफॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 फॉर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड डिजास्टर्स. भारत की रैंक वेरी गुड. करेक्ट आंसर अगर करें तो करेक्ट आंसर बेटा 31st, 31वीं रैंक जो है वो भारत की इसमें आपके रहेगी. फर्स्ट नंबर पे अगर मैं बात करती हूं तो आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आया है, ये पहले नंबर पे है. सोमालिया इसके अंडर में आता है. ठीक है, तो कॉन्टिनेंट के साथ अगर बताएं. सेकेंड नंबर पे अगर हम लोग, अच्छा नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, पहले नंबर पे सोमालिया है, दूसरे नंबर पे सेंट्रल, ये हाँ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, तीसरे नंबर पे आपका साउथ सूडान है. अलग है, साउथ सूडान. ठीक है, ये होगा और ये आपको बेसिकली इसमें याद करना है. नॉर्थ कोरिया मोस्ट डेंजरस में आता है. Most dangerous place to live as people are exposed to high risk of natural disasters. ठीक है, next question. At which particular place on earth are days and night of equal length always? पृथ्वी पर किस स्थान पर दिन और रात जो है वो समान होते हैं, समान होते हैं? प्राइम मेरिडियन, पोल्स, यानी कि आपके पोल्स का मतलब हो गया ये, ठीक है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, और ये नो इश्यू सचिन. गाइज लाइक कर दीजिए भाई जल्दी से. चलो लाइक बड़ा फटाक से, तब मैं अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मैं तब दूंगी जब तुम लोग लाइक इंक्रीज कर दोगे. चलो जल्दी जल्दी लाइक इंक्रीज करो, पहुंचाओ 40 तक लाइक. हाँ ठीक है, चले जाना सुमित तुम घूमने. राजेश पाल राय जी लाइक कर दिया. अमित कुमार फैब्रिकेशन जॉब. पोल गलत आंसर, मैं आंसर नहीं बताऊंगी तुम लोगों को इसमें. लाइक बढ़ाओ जल्दी. बढ़िया, वेरी गुड. करेक्ट आंसर क्या होगा? इक्वेटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी है ना, इक्वेटर करेक्ट है. वेरी गुड आकर्ष सुषमा जी, आंसर सही है, सही है, काफी सही है. लाइक इंक्रीज नहीं हो रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंपेगौड़ा फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी. चलो कैंपेगौड़ा फेस्टिवल किस रूप में होगा? कैंपेगौड़ा फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? कैंपेगौड़ा
हैदराबाद दिल्ली मुंबई चेन्नई करेक्ट आंसर दिल्ली इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज साइंड 5 मेमोरेंडम्स विद इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर 5 आंसर करो वेरी गुड ठीक है सुमित आंसर गलत था आपका वेरी गुड करेक्ट आंसर अफगानिस्तान के साथ सॉरी अफगानिस्तान के साथ ये मेमोरेंडम जो है ये 5 मेमोरेंडम आपके साइन करे गए हैं तो ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है कि किस कंट्री के साथ 5 मेमोरेंडम जो है वो हमने डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साइन किया तो आप ये नंबर भी याद रखें और साथ ही साथ कंट्री भी याद रखें अफगानिस्तान राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड द हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडिया फर्स्ट ई लोक अदालत किस राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है तो पिछले क्वेश्चन को अच्छा मैं कर दे रही हूँ अफगानिस्तान के साथ जो है वो एजुकेशनल डेवलपमेंट पे आपके ये 5 मेमोरेंडम्स जो है वो आपके साइन किए गए हैं इसमें जैसे मतलब पहला जो है आपका इसमें गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करेगी अफगानिस्तान के ये आपके कुछ 5 मेमोरेंडम्स के साथ नेक्स्ट देखिएगा Which state's legal service authority and the High Court organized India's first e-lok adalat? Very good. Correct answer, Chhattisgarh is the right answer of this question. Option number D. Chhattisgarh जो है उसने आपका पहला e-lok adalat जो है वो उस अदालत को सेटअप किया और इस e-lok adalat के द्वारा छत्तीसगढ़ e-lok adalat ने करीब 2,270 केसेस को जो है वो आपके वीडियो कॉल्स के थ्रू आपके सेटल भी इवन किया है तो करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू WHO द बर्ड फ्लू वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड कुक्ड बियॉन्ड ओके ठीक है तुम लोगों को अजय के मैसेज कहां दिख रहे हैं मेरे में तो नहीं दिखते क्योंकि अच्छा शायद मैं ब्लॉक कर चुकी हूं इसलिए तुम लोग भी कर दो ऐसा कोई इशू नहीं है करेक्ट आंसर 70 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओके नेक्स्ट पीएम मोदी इनोग्रेटेड द एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट रीवा ऑलरेडी लिखा है आप आराम से आंसर कर लोगे गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश ठीक है करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आकाश गलत है मध्य प्रदेश रीवा मध्य प्रदेश में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अ ट्रीज एज कैन बी फाउंड बाय एक वृक्ष की आयु कैसे निकाली जा सकती है उसके एनुअल रिंग को काउंट करके उसकी शाखाओं को काउंट करके उसकी हाइट देखकर या फिर उसकी गर्थ यानी कि उसकी परिधि देखकर चौड़ाई वेरी गुड ठीक है हेलो
ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर एनुअल रिंग। तो भाई उसकी जो वार्षिक वले होती है पौधे की, उस वार्षिक वले के द्वारा हम किसी भी ट्री का जो भी एज वगैरह होता है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है इसमें। Which of the following is the best conductor of electricity? Cold water, saline water, distilled water, warm bottle. Very good. Correct answer, distilled water. नहीं, saline नहीं. Distilled water is the correct answer. Option number C. Next question. Name the person who has resigned from the post of CEO of Board of Control for Cricket in India. उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के CEO पद से इस्तीफा दे दिया। Name the person who has resigned from the post of CEO of Board of Control for Cricket in India. सबसे पहले फर्स्ट चीफ, ये प्रोफेशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे ये। करेक्ट आंसर राहुल जौहरी इज द करेक्ट आंसर, मिस्टर राहुल जौहरी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंस यूज्ड इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज, एक सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सिलेंड्रिकल, नन। ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका कॉन्वेक्स इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तल दर्पण जो है वो आपके यूज, उत्तल जो है वो आपके यूज किया जाता है। नितिश एकदम सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड शोल्डर ऑफ बॉडी, रक्त कोशिकाओं का शोल्डर जो है वो इनमें से किसे कहा जाता है। वेरी गुड, हाँ कॉन्वेक्स होगा, सही है, करेक्ट, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी, ऑल ऑफ द अबव, सही आंसर डब्ल्यूबीसी इज द राइट आंसर, क्योंकि डब्ल्यूबीसी आपके शरीर को, आपके बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है, या कहिए सुरक्षा देने का जो है वो काम करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये 20 जुलाई को रिलीज होनी है ये बुक, आंसर करिएगा सॉन्ग ऑफ इंडिया, वेरी गुड, करेक्ट आंसर रस्किन बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन, इनमें से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया में, यीस्ट में, फंगी में, ग्रीन एल्गी में। बफरिंग हो रहा है, चेक करिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन, करेक्ट आंसर आपका बैक्टीरिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया जो है दो चीज में एब्सेंट होता है, एक तो प्रॉपर बैक्टीरिया में,
या फिर अगर ऑप्शन पूरा अगर होता कि ब्लू ग्रीन एल्गी तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी हरे नीले शैवालों में और बैक्टीरिया में, इन दो में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया आपका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप वॉज बिल्ट बाय, सांची स्तूप जो है वो इनमें से किसने बनवाया? थर्ड सेंचुरी के आसपास बनाइए, तीसरी शताब्दी के आसपास बना था। करेक्ट आंसर, अशोक इज द राइट आंसर। तो मौर्य वंश के शासक आपके जो अशोक है उन्होंने आपके इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च ब्लूइस टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एआई टू मॉनिटर गवर्नमेंट लैंड। उस राज्य का नाम बताइए जिसने सरकारी भूमि की निगरानी के लिए एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और एआई का उपयोग करने के लिए ब्लूइस लॉन्च किया है। वेरी गुड, सो गाइज हियर वी कंप्लीट दिस सेशन। डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डोंट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन, लाइक ध्यान से कर देना। मिलते हैं आप लोगों से कल फिर इसी टाइम पर 9 बजे। अच्छा, अगर आप अनअकैडमी में SSC कैटेगरी यूज कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कल SSC कैटेगरी में सुबह 11 बजे मेरी एक फ्री या आप कह सकते हो स्पेशल क्लास है। कल सुबह 11 बजे SSC में स्पेशल या एक फ्री क्लास है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल SSC कैटेगरी के अंदर। चलिए, सो थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, प्रिपरेशन करते रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू।